यह है एबीसी न्यूज एजीटी लाइव। जी आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज कोविड 19 वैक्सीनेशन के फर्स्ट फेज हेल्थ केयर वर्कर्स के वैक्सीनेशन का आज फोर्थ डे था। आज पूरे स्टेट में 96 सेशंस कंडक्ट किए गए थे। टोटल टारगेट था आज हमारा 8127, जिसमें से आज हम लोगों ने 5538 लोगों को वैक्सीनेट किया है। 68% टारगेट का आज हम लोगों ने अचीव किया है अक्रॉस द स्टेट। क्यूमुलेटिव फिगर देखा जाए तो अभी तक हम लोगों ने स्टेट में 9807 लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, हमारा टारगेट है 45,000 का, तो अभी तक पिछले चार दिनों में हम लोगों ने 9807 लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया। इनमें से किसी में भी एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। माइनर साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं, जैसे कि हेडेक, स्लाइट फीवर, इस टाइप के साइड इफेक्ट्स ये नॉर्मल है इस वैक्सीनेशन में, लेकिन कोई भी मेजर साइड इफेक्ट इस वैक्सीन को लेकर अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ पूरे स्टेट में आउट ऑफ ऑल दी 9807 वैक्सीनेशन डन। हमारे पास फर्स्ट फेज का कोविशील्ड वैक्सीन 56,500 रिसीव हुआ था, जो कि हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कल हमें 46,500 का सेकेंड कंसाइनमेंट मिला कोविशील्ड वैक्सीन का, जो कि हम लोगों ने आज डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसके साथ ही साथ में सेकेंड फेज में जिन लोगों को वैक्सीनेट करना है उसमें फील्ड लेवल वर्कर्स आते हैं, उसमें बीएसएफ, आसाम राइफल्स, पुलिस, होमगार्ड, टीएसआर, म्यूनिसिपल वर्कर्स, रेवेन्यू स्टाफ, ये सभी लोग आते हैं। इन लोगों का डाटा कलेक्शन चल रहा है और लगभग 20,000 लोगों का डाटा ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है और आशा करते हैं आने वाले दिनों में ये 60,000 to 70,000 लोग हम लोग इसमें इस कैटेगरी में डाटा कलेक्ट करके अपलोड करा देंगे, ताकि उनका सेकंड फेज में हम लोग इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन करा सकें। जैसा कि हमने पहले बताया, हमारी तैयारी है फर्स्ट फेज के लिए। हमारे सभी सेशन साइट्स पे जो मैन पावर है वो सभी ट्रेंड है। वैक्सीन को रखने के लिए जो इक्विपमेंट्स का जरूरत पड़ता है, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर का जरूरत पड़ता है, वो सभी सेशन साइट्स पे मौजूद हैं। इसी प्रकार से जब हम लोग सेकेंड फेज का वैक्सीनेशन शुरू करेंगे तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। सभी सेशन साइट्स पहले से आइडेंटिफाइड हैं। जैसे ही हमें भारत सरकार से परमिशन मिलता है सेकेंड फेज का वैक्सीनेशन कराने के लिए, हम लोग सेकेंड फेज का भी वैक्सीनेशन करा लें। और फर्स्ट फेज का वैक्सीनेशन अभी तक का हमारा जो पेस है, जो अचीवमेंट है, वो सेटिस्फैक्ट्री है और आशा करते हैं कि अगर इसी स्पीड से चला तो विद द नेक्स्ट 20 डेज हम लोग पूरा का पूरा 100% टारगेट अचीव कर लेंगे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। सर आज जीबी में पहली बार हुआ है तो कैसा रेस्पॉन्स था इसके बारे में बताएं, और टोटल कितने आज लिए हैं? जी जीबी का मेरे पास अलग से फिगर नहीं है, लेकिन आज कोविड 19 वैक्सीनेशन का सुहाग कर दीजिए।